Hello students, in the previous lecture we did up to question number 17th first part. Today we will do question number 17th second part. For what value of k the function f of x, which is given as square root 1 plus kx minus square root 1 minus kx by x, जब जब x माइनस वन से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा जीरो से लेस होगा एंड 2x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स जब जब जीरो या जीरो से बड़ा होगा वन से छोटा होगा इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो. हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए. तो हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x स्केयर रूट वन प्लस के एक्स माइनस स्केयर रूट वन माइनस के एक्स बाय x, x is greater than equal to minus 1 and less than 0, 2x plus 1 by x minus 2, x is greater than equal to 0 and less than 1. तो continuous के लिए हमें सबसे पहले f of 0 पे value निकालनी है. f of 0, x 0 के equal कहाँ है, यहाँ पे है 2x plus 1 by x minus 2, ये वाला function लेना पड़ेगा हमें. इस function में x की जगह 0 रखा, 2 into 0 plus 1 divide by 0 minus 2. 2 into 0, 0 plus 1 by minus 2, that is equal to minus 1 by 2. इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि ये फाइनाइट एंड रियल आई है. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यूज, x 0 से लेस यहाँ पे है और इसके लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना है स्केयर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस स्केयर रूट 1 माइनस के एक्स बाय एक्स, ये फंक्शन रहा रख दिया. अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच या ये कहें डायरेक्ट माइनस एच. यहाँ पे x की जगह माइनस एच पुट करेंगे तो देखिए 1 माइनस के एच हो जाएगा ये. यहाँ पे माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस बाहर भी है प्लस का हो जाएगा बाय माइनस एच. अब देखिए जब h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो यहाँ ऊपर बनेगा स्केयर रूट 1 माइनस स्केयर रूट 1 बाय 0, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी. उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा. देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 स्केयर रूट 1 माइनस के एच माइनस स्केयर रूट 1 प्लस के एच बाय माइनस एच. हमने क्या किया, ये बीच वाला साइन माइनस का है, इसको प्लस का करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो किससे किया, स्केयर रूट 1 माइनस के एच प्लस स्केयर रूट 1 प्लस के एच से ही मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड. तो उसके बाद क्या हुआ, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर. जब इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, हमारे पास बनेगा 1 माइनस के एच माइनस, इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट अगेन कैंसल 1 प्लस के एच, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई को मैंने लिख दिया माइनस एच इंटू स्केयर रूट 1 माइनस के एच प्लस स्केयर रूट 1 प्लस के एच. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ बाहर माइनस का साइन था तो अंदर के सारे साइन चेंज, तो यह माइनस का हो गया माइनस का 1 माइनस का के एच, 1 से 1 कैंसल, माइनस के एच माइनस के एच माइनस 2 के एच और नीचे वाला एज इट इज. अब देखिए जो जो कटता था एच से एच कैंसल हो गया, माइनस से माइनस, हमारे पास बचा 2 के बाय दिस. अब यहाँ पे एच की जगह 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो 2 के नीचे 1 माइनस 0 स्केयर रूट 1 स्केयर रूट 1, 1 का स्केयर रूट 1 होता है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 से 2 कैंसिल. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी, k आ गई. अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़, और 0 से बड़ी वैल्यूज़ देखना फंक्शन में जहाँ कहाँ पे है x ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन लेना है 2x प्लस 1 बाय x माइनस 2, ये वाला फंक्शन लिया. अब x की जगह हमें पुट करना है 0 प्लस h, 0 प्लस h कहिए या h कहिए, तो हमने x की जगह h पुट किया 2h प्लस 1 बाय h माइनस 2. अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, माइनस का 1 बाय 2. अब फॉर f टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. f ऑफ 0 कितनी है हमारी, 1 बाय माइनस का 1 बाय 2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है k, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी है माइनस का 1 बाय 2. तो यहाँ से अगर हम देखें तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 बाय 2. सो वी कैन से दैट एट k इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 f ऑफ x मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से बस ये याद रखना, जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने और उसके रूट में हो तो हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ f ऑफ x, गिवन है हमारे पास मोड x बाय x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 x इज इक्वल टू 0.
तो हमें x इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो गिवन फंक्शन हमारे पास मोड x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वन एक्स इज इक्वल टू जीरो. देखिए मैंने इस फंक्शन को ऐसे लिखा, मोड x माइनस एक्स बाई एक्स जब जब x जीरो से लेस है एंड x बाई एक्स जब x जीरो से ग्रेटर है एंड वन जब x जीरो के इक्वल है. ऐसा कैसे लिख दिया? हमें पता है मोड x फंक्शन है जो दो फंक्शन में ब्रेक हो जाता है. माइनस x के इक्वल होता है कब? जब x जीरो से छोटा होता है. और x के इक्वल होता है कब? जब x जीरो से बड़ा होता है. जैसे माइनस टू का मोड निकालते हैं हम, कितना आंसर आता है? टू. टू को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ माइनस टू. इट मीन्स जब अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू है उसका मोड निकाल रहे हैं तो उसके आगे एक बार और क्या लगा दो? नेगेटिव. यही मैंने लिखा कि जब जब x जीरो से छोटा है तो उसके आगे एक बार और नेगेटिव साइन लगा दिया. और जब जैसे टू है, टू का मोड टू आ जाता है. अगर x खुद ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मोड क्या आ जाएगा? खुद x ही आ जाएगा. तो ये ध्यान रखना है आपको मॉडुलस फंक्शन. तो मैंने यहाँ यही लिखा है मोड x की वैल्यू माइनस x लिखी कब? जब x जीरो से छोटा है. और x लिखी कब? जब x जीरो से बड़ा है. x से x कैंसिल हो गया, माइनस वन आ गया कब? जब x जीरो से छोटा है. एंड वन आ गया जब x जीरो से बड़ा है. और वन आ गया जब x जीरो के इक्वल है. तो अब जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. जीरो पे f ऑफ जीरो कितना है? वन. लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x. लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव. जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटी वैल्यूज. और जब जब x जीरो से छोटा है तो फंक्शन लेना है माइनस वन. और इसमें x है ही नहीं तो लिमिट पुट करने की नीड ही नहीं है. तो हमारा आंसर आ गया माइनस वन. अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x. तो f ऑफ x जब जब x जीरो से बड़ा है तो वन लेना है, तो वन लिया. इसमें भी लिमिट पुट करने की नीड ही नहीं हुई तो हमने वन, हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई. हमने देखा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल नहीं है. सो वी कैन से दैट f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो बिकॉज अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट f ऑफ a must be equal to left hand limit and that must be equal to right hand limit. But here we find that f of 0 not equal to left hand limit, that is not equal to right hand limit. So the function is discontinuous at x is equal to 0. देखिए next question. Discuss continuity at x is equal to 1 of f of x mod x square minus 1 by x minus 1 if x is not equal to 1 and 2 if x is equal to 1. तो देखिए कैसे करेंगे. हमें वन पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो गिवन फंक्शन लिख लिया हमने मोड एक्स केयर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू वन एंड टू इफ एक्स इज इक्वल टू वन. तो देखिए मैंने इस फंक्शन को ब्रेक कर लिया. माइनस ऑफ एक्स केयर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन जब एक्स वन से लेस है एंड एक्स केयर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन जब एक्स वन से ग्रेटर है एंड टू जब एक्स इज इक्वल टू वन है. क्यों किया मैंने ऐसा? जो मोड एक्स स्केयर माइनस वन है हम इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं. माइनस ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन जब एक्स वन से लेस है और एक्स स्केयर माइनस वन जब एक्स वन से ग्रेटर है. क्योंकि जब भी हम एक्स की वैल्यू वन से छोटी लेंगे तो उसका स्केयर और छोटा आएगा. जब उसमें से वन माइनस करेंगे तो वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा और मोड होने की वजह से उसका आंसर पॉजिटिव आना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने उसके आगे एक बार और नेगेटिव लगा दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारे पास? वो पॉजिटिव बन जाएगी. और जब जब x 1 से बड़ा होगा और उसका स्क्वेयर करेंगे हम तब हमारे पास उसका स्क्वेयर क्या होगा? 1 से बड़ा आएगा. उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो उसके आगे माइनस का साइन लगाने की नीड नहीं है. तो इस वजह से हमने ऐसा किया. अब फिर क्या किया? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा. ए माइनस बी ए प्लस बी. तो यहाँ हो गया x माइनस वन एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन. सिमिलरली नीचे एंड x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल. तो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ x प्लस वन इफ x इज लेस देन वन एंड x प्लस वन इफ x इज ग्रेटर देन वन एंड टू इफ x इज इक्वल टू वन. तो हमें वन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो f ऑफ वन निकाला. x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू टू है तो टू रख ली. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली. लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव माइनस ऑफ x प्लस वन. वन की एक्स की जगह वन माइनस एच पुट किया. फिर एच की जगह जीरो पुट किया. माइनस टू आ गया. राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एक्स प्लस वन. एक्स की जगह वन प्लस एच रखा. एच की जगह जीरो पुट किया तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी टू. तो देखिए हमारे पास क्या हुआ. जो हमारी फंक्शन की वैल्यू थी वन पे वो टू आई. लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस टू आई और राइट हैंड लिमिट टू आई. क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल आई? नहीं. अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती मतलब हमारे पास f ऑफ वन नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट.
अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है उस पॉइंट पे, डिसकॉन्टिन्यूअस. हेयर द पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू वन, सो द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन. बस ध्यान रखना है आपको कि जो मॉडुलस फंक्शन है इसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, एक नेगेटिव वैल्यूज के लिए और एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए. यहाँ हमने ब्रेक किया इसी को, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे. तो फिर सिंप्लीफाई करके हमने फिर क्या निकाली, चेक की, कॉन्टिन्यूटी चेक की. तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 तक सोल्व कर लीजिएगा. थैंक यू.